Hi my YouTube family, welcome back to my another vlog. So भाई आज जो है हम लोग जाने वाले हैं आगरा. तो भाई हम लोग का जो ट्रेन है ना भाई वो हावड़ा से है. तो हम लोग भाई अभी जा रहे हैं पहले हावड़ा और हावड़ा से जाकर हम लोग आगरा का भाई ट्रेन पकड़ने वाले. तो हमारे साथ जो है भाई हमारे मामा मामी नाना और आमिन भी है. तो ये रहा आमिन हम लोगों के साथ और इन लोग भी है इस टैक्सी में. तो भाई अभी हम लोग टैक्सी में बैठे हुए हैं, तो अभी हम चलते हैं हम लोग पहले हावड़ा. हावड़ा स्टेशन और जस्ट मेरे पीछे ही हावड़ा ब्रिज आप लोगों को दिखाई देता होगा. तो भाई अभी देखते हैं मामा लोग, इन लोग अलग टैक्सी में था और हम लोग अलग टैक्सी में थे, तो उन लोगों को पहले जाके देखते हैं उन लोग कहाँ पर है. तो गाइस ये रहे मामा. मामा लोग जो है भाई हम लोगों से आगे उतर चुके थे. मामी भी है और नाना भी है. और अल्ताफ कहाँ है? अल्ताफ और इसे देखिए, ये बंदा तो एकदम रिलैक्स चिल करके आ रहा था. और नाना भी हमारे हम लोगों के साथ चल रहे हैं और यहाँ पर सब पुलिस बैठे हुए हैं. सो भाई पहले चलते हैं विजिट कर लेते हैं. अभी हम लोग 9 नंबर प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं भाई और अभी हम लोग सब यहाँ पर वेट कर रहे हैं फैमिली और मामा का. तो भाई पंखा तो भाई यहाँ पर ऐसा लगा हुआ है, ये देखिए पंखा में तो भाई यहाँ मतलब हवा ही नहीं है. इतना मतलब गर्मी है ना भाई कोलकाता में, मैं आपको क्या बताऊँ भाई. और अभी देखते हैं भाई फिर आगरा में क्या हाल होता है. सो अभी मामा जो है बैग उठा के काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं. मामा पसीना पसीना हो चुका है. अल्ताफ को देखिए, ये तो सो गया टैक्सी में सो गया. बोलिए सोने के लिए आया टैक्सी में, ये टैक्सी में आके सोया हुआ था. भाई अभी देखते हैं पहले ट्रेन हुआ या नहीं, उसका सीट नंबर वगैरह भी पता लगाना है करना है. सो भाई अभी हम लोग चलते हैं भाई फूड प्लाजा के अंदर, देखते हैं अंदर में क्या क्या है. काफ़ी सारा चीज़ तो मिलेगा ही. वाह, ये रहा फूड प्लाजा, ये हावड़ा स्टेशन के पास है. काउंटर वगैरह है ये. अब भाई अंदर में लेकर आया बट लेकिन अंदर लेकर आकर कुछ ऑर्डर नहीं किया, बस बेफॉल लेकर आके मुझे यहाँ पर टाइम वेस्ट करा दिया. चलते हैं अभी बाहर. भाई इन लोगों ने तो कुछ दिया ही नहीं है, बट यहाँ पर जस्ट आए हुए थे हम लोग हवा खाने के लिए भाई, बस इसके अलावा तो और कुछ नहीं था क्योंकि गर्म काफ़ी ज़्यादा है. भाई अभी हम लोगों का जो ट्रेन है ना भाई 5:14 में यहाँ पर आने वाली है, तो इसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं अभी प्लेटफॉर्म के अंदर पहले ही चले जाते हैं और जाके भाई पहले से देख लेते हैं कि भाई जगह हम लोगों को मिलता है या ना, क्योंकि ट्रेन लगने वाली है और काफ़ी जल्दी ही ट्रेन अभी यहाँ पर आ जाएगी. तो अभी हम लोग रिजर्वेशन टिकट जो है भाई वो देखने के लिए आए हुए. यहाँ पर रिजर्वेशन टिकट हम लोगों का नाम आ रहा है यानी लिस्ट में. तो गाइस ये रहा रिजर्वेशन चार्ट, कोशिश ये रहा पूरा चार्ट. इस जगह में हम लोगों का नाम जो है ढूंढना. फाइनली गाइस हम लोगों का ट्रेन अभी आ रहा है और हम लोग अभी यहाँ पर खड़े हो गए हैं श्री कोच भाई. और अभी यहाँ से हम अभी आपको दिखाता हूँ, जस्ट मेरे पीछे ही देखिए जो है ट्रेन अभी यहाँ पर आ रहे हैं. फाइनली भाई ट्रेन जो है चालू हो चुका है और हम लोगों का सबका सीट भी अभी मिल चुका है. बट लेकिन भाई जो है पापा का और मेरे भाई छोटे का इन लोगों का जो सीट है ना वो कहीं और बॉगी में पड़ा है, बट अभी तक का पैसेंजर आया नहीं है. तो उन लोगों के साथ हम लोगों का एक्सचेंज करने का बातचीत चल रहा है. अगर वो लोग आ जाएगा तो एक्सचेंज भी कर लूँगा. और ये जस्ट देखिए मेरे पीछे लोकल ट्रेन यहाँ से जा रही है. सो भाई अभी देखते हैं भाई और उसके बाद में टिकट वगैरह भी आने वाले हैं, काफ़ी मज़ा आएगा इस. देखिए मामा को, मामा भी यहाँ पर गेट के पास आके खड़े होकर. और यहाँ का तो भाई काफ़ी अच्छा व्यू भी है. देखिए गाइस यहाँ पर जो है ट्रेन काफ़ी रनिंग में चल रही है भाई और अभी हम लोग गेट के सामने खड़े होकर हैं. और देखिए भाई भी हम लोगों को यहाँ पर मिला, भाई भी सफ़र कर रहे हैं अभी ट्रेन में. और जो मामा है, मामा को देखिए, मामा वहाँ पर उन गेट में जाके खड़े होकर है. भाई हम लोगों को सीट में जो है ना मज़ा नहीं आ रहा है बैठने में, क्योंकि भाई अगर सफ़र में बाहर निकले हैं तो भाई इन्जॉय तो गेट में बनती है और इन्जॉय सही से होती है भाई खड़े होकर दोनों लोगों के साथ. बट भाई सीट पर बैठ के इन्जॉय नहीं कर सकते भाई कभी, इसीलिए अभी मज़ा लेते हैं भाई हवा का, क्योंकि भाई कोलकाता में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी भाई. थोड़ा सा ट्रेन में तो हवा है तो मज़ा ले ले. कैसा कलकत्ता में गर्मी कैसा था भाई? बहुत गर्मी था भाई कोलकाता में तो.
ज़्यादा गर्मी नहीं भाई बट लेकिन अभी यहाँ पर ट्रेन की वजह से लोगों को थोड़ा हवा भी आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। फाइनली गाइज अभी हम लोग बर्दवान पहुंच चुके हैं भाई, और अभी काफी देर के बाद अभी नीचे उतरे भाई, क्योंकि भाई ऊपर में भी बैठ के ना अपर सीट में भी काफी ज्यादा गर्म है यहाँ पर, और गर्मी तो कमी नहीं हो रही यार। इन लोगों को देखिए अभी भी सब पापा भी बैठे हुए हैं, नाना भी अभी यहाँ बैठे हुए। अल्ताफ बाहर आना, तुमको बाहर आना, अल्ताफ को पसीने देखिए क्या गर्म है। पर हम लोग बर्दवान में यहाँ पर अभी उतरे, स्टेशन में ट्रेन रुका है, देखते थोड़ा अच्छा फ्रेश हवा तो मिल जाए भाई कुछ। ये रहा बर्दवान स्टेशन, और यहाँ पर अभी इन लोग बैठा हुआ है, देखिए अल्ताफ मामी और मम्मी तो अभी पंखा यूज़ कर रही है। और आमिन को देखिए, आमिन कहाँ बैठा हुआ है, आमिन भी अभी ऊपर में बैठा हुआ है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर रोटी भुजिया टिकिया मम्मी खाला मामी सब हम लोग अभी खा रहे हैं। ये रहा मामा आमीन अल्ताफ सब मिल के। फाइनली गाइस अभी हम लोग मुगल सराय में उतरे हैं भाई, और अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30, और 4:30 बजे जो है अभी हम लोग सब के सब नीचे उधर के प्लेटफॉर्म में अभी थोड़ा टहल रहे भाई, क्योंकि भाई रात का जो है ना 2:30 बजे तक तो जागे हुए थे, सोए ऐसी भाई 2 घंटा, तो भाई अभी 2 घंटे में ही काफ़ी थोड़ा दिन पूरा हुआ है। अभी देखते भाई, और अभी रात भर का तो सफ़र अभी बाकी है, क्योंकि आगरा बहुत जल्द हम लोग पहुँचने वाले हैं, और छोटे भी अभी उड़ा हुआ है, ट्रेन शायद अभी चालू होने वाली है, क्योंकि भाई अभी वहाँ से आवाज़ और आ रहा है, धीरे धीरे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। सो ये रहा भाई हम लोगों का सुबह का नाश्ता, और मामा जो है अभी ये नाश्ता कर रहे हैं, और हम भी इसी में नाश्ता अभी करेंगे साथ मिल के। भाई अभी ये 60 रुपये करके ट्रेन में जो है भाई पैकेट दे रहा है, एक पैकेट 60, और इसमें पूड़ी रहता है 8 और सूखा हुआ आलू दम के साथ। तो भाई पहले एंजॉय कर लेते हैं भाई ये नाश्ता, फिर उसके बाद आप लोगों को अच्छा सा फिर दिखाऊंगा बाहर का नज़ारा। फाइनली भाई अभी हम लोग मणिपुर में उतरे हैं भाई, और ये है पूरा के पूरा मणिपुर, थोड़ा सा एक स्टेशन है भाई ये पूरा यहाँ पर, और मामा और बाहर निकले थे पानी भरने के लिए, क्योंकि भाई काफ़ी देर सुबह 4:30 बजे से उठे हुए ना, उसकी वजह से मज़ा नहीं आ रहा था ट्रेन में बैठे बैठे। हम लोगों का बॉगी कौन सा है, S3 है भाई, बट हम लोग बहुत आगे चले गए थे S6 तक। तो भाई अभी चलते हैं बॉगी में जाके पहले उन लोगों को पानी दे दिया करते, लेकिन उन लोग सब के सब अभी जो है उठ के बैठे हैं, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। मम्मी है, पापा है, अल्ताफ मामी उन लोग सब अभी चाय पी रहे हैं, और छोटे तो ऊपर में सोया हुआ है, आमिन भी सोया हुआ है, मामा सिर्फ चाय पीने के लाइए, चाय मैं भी पी लेता हूँ। भाई यहाँ का तो चाय का मज़ा ही कुछ और है भाई, लेकिन यही बात है कि चाय में यहाँ पर दम है भाई, 10 रुपया करके एक लेता है भाई, काफ़ी बड़ा है, लेकिन काफ़ी अच्छा चाय यहाँ पर मिल जाता है। और मम्मी और नाश्ता भी कर रही, क्योंकि भाई हम लोगों ने नाश्ता पहले ही ऑलरेडी कर चुका हूँ। अभी जो है एक स्टेशन है ओरछा बोलकर स्टेशन के पास, अभी यहाँ पर गाड़ी रुकी है काफ़ी देर से, और मामा को भी देखिए मामा कहाँ जा रहे हैं। तो भाई अभी हम लोग भी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं क्या है नहीं है। भाई ये ओरछा नाम का स्टेशन है भाई, यहाँ पर सिर्फ मतलब दूर दूर तक का आप लोगों को सिर्फ पहाड़ वगैरह दिखाई देगा, वरना और कुछ नहीं, हर जगह ये पूरा पहाड़ी एरिया है। देखिए मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, पूरा पहाड़ी एरिया है, पूरा जंगल, पहाड़ चढ़ के जंगल वाले।
भाई अभी हम लोग यहाँ पर जसनी नाम का एक स्टेशन है, यहाँ पर जंक्शन में रुके हैं भाई, और सब हम लोग अभी केला खरीद के खा रहे हैं। तो भाई ट्रेन जो है चालू हो चुका है, तो उससे पहले हम लोग पहले ऊपर चढ़ जाते हैं। नेली भाई अभी हम लोग आगरा स्टेशन में पहुंच चुके हैं भाई, ये पूरा रहा आगरा स्टेशन, और हम लोग सब के सब अभी बैग और लगेज लेकर रेडी है। बड़ा भाई हम चलते हैं बाहर और देखते हैं बाहर में हम लोगों को फिर कहां पर होटल मिलता है नहीं मिलता है। तो भाई आगरा आके काफ़ी अच्छा लगा, और पहला बार क्या 7 बजे का टाइम था भाई, बट 7 बजे से हम लोगों को पहले ही यहाँ पर पहुँचा दिया गया 20 मिनट पहले। भाई ट्रेन काफ़ी अच्छे से चला है भाई रास्ता में, तो काफ़ी मज़ा भी आया, और अभी आके देखते हैं होटल वगैरह मिलता है या नहीं। तो भाई ये रहा आगरा स्टेशन, और छोटे भी काफ़ी ज़्यादा पसीना पसीना हो चुका है बैग लेकर ये सब लेकर, और पूरा ये आगरा स्टेशन है भाई। अभी हम लोग जस्ट बाहर होने वाले, नाना भी आ चुके हैं, मम्मी भी आ चुकी है, और आमिन भी है। तो भाई अब चलते हैं, पहले देखते हैं होटल, क्योंकि हम यहाँ पर भी तो भाई काफ़ी ज़्यादा गर्मी है भाई, जैसे कोलकाता में था वैसे ही गर्मी यहाँ पर भी है भाई। और यहाँ पर एक ऑटो मिला है, इस ऑटो में बैठ कर हम लोग अभी जा रहे हैं होटल में, देखते हैं कैसा है, क्या प्राइस है नहीं है, मैं आप लोगों को जरूर बताऊँगा। भाई नाना मम्मी और मामी अल्ताफ मामा सब मिल के अभी इस ऑटो में जाएंगे, और हम लोगों के लिए भाई अलग से ऑटो अभी एक और आने वाला है। और ये रहे अंकल, इसी ने हम लोगों को होटल के बारे में बताया है, और ये भाई। तो भाई अभी चलते हैं, देखते हैं होटल कहाँ है नहीं है, फिर उसके बाद आप लोगों को पूरा लोकेशन शेयर करूँगा। यूट्यूब में देखिएगा, हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं गाइस, तो अभी अब चलते हैं भाई। हम लोग जस्ट अभी निकल रहे हैं आगरा स्टेशन से बाहर, ये रहा आगरा स्टेशन भाई। बाहर चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा लोग भी आए हुए हैं, पहले देखते हैं हम लोगों को होटल कैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो ये रहा भाई होटल एवर ग्रीन हाउस, चलते हैं भाई अब अंदर। भाई अभी आए एवर ग्रीन होटल के अंदर भाई, पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि हम लोगों को रूम कितने में मिल जाता है नहीं मिलता, फिर उसके बाद ही बता पाएंगे कब से यहाँ पर रहना है। भाई पहले आते हैं पता करते हैं सब कुछ। ये रहा दो नंबर, और ये रहा भाई रूम, डबल बेड रूम है भाई, सोफा है, वॉशरूम भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, इस तरीके का वॉशरूम, और मैं भी मैं आप लोगों के सामने हूँ। फाइनली गाइस हम लोगों को रूम मिल चुका है भाई, और हम लोगों का रूम नंबर जो है 2 और 1 है भाई। तो 1 में जो है मामा लोग रहने वाले हैं, और 2 में जो हम लोग रहने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था रूम, काफ़ी बड़ा रूम है भाई, इसमें इन लोगों का सबका आराम से जगह हो जाएगा, 4-5 जने इन लोग आराम से, और उसके बाद वो जो रूम है रूम नंबर 2 उसमें हम लोगों का जगह हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। बस एक दिन तो आगरा में रहना है, फिर ताजमहल भी जाना है, तो भाई एक दिन के लिए काफ़ी अच्छा है भाई। चलिए उसके बाद अभी देखते हैं क्या करना होगा, करते हैं। हम लोगों के ऑटो वाले भाई इन लोगों को हम लोग कल सुबह 6 बजे यहाँ पर बुला रहे भाई, इन लोग कल सुबह 6 बजे से हम लोगों को लेके जाने वाले हैं सबको, और ये भी भाई है, तो हम लोग दोनों जन के साथ कल टूर करने वाले, और ये इन लोगों का कार्ड है भाई। सो भाई हम लोग यहाँ से ताज फोर्ट गार्डन मार्केट्स वगैरह भी जाना है, ये सब ताजमहल है, रेड फोर्ट है, इमद उदा दुल्ला है, ये बहुत सारा जगह है भाई, मार्केट वगैरह भी है। तो इन लोगों का चार्ज जो है भाई 1200 बोल रहे भाई टोटल करके सब कुछ, और जहाँ भी अगर आप लोग जाना चाहें समझ जाइए, अगर बस स्टैंड हो या ऑटो कहीं पर भी स्टेशन वगैरह जाना रहा, तो इन लोग सब कुछ एक बार में आप लोगों को कर देगा, आपके साथ सुबह से लेके शाम तक रहेगा, पूरा सही से इन लोग गाइड भी आप लोगों को करेगा। की तरफ से हम लोगों को ये खाने का मेन्यू भी लाके दिया गया है भाई, भाई यहाँ पर आए मेन्यू लेकर। तो भाई पहले हम लोग यहाँ पर फ्रेश हो जाते हैं, फिर उसके बाद भाई को पूरा ऑर्डर देंगे सही से क्या है नहीं लेना है, मैं ये सब भी है। तो भाई मैं यहाँ रख के पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये 2 मेन्यू है भाई, इन लोगों का ये प्राइस है,
ठीक है गाइस, आप लोगों को भी कभी मन करे तो यहाँ पर जरूर आना, भाई लोगों को ऑर्डर भी दे देना, और मामी भी अभी आ चुकी है। तो भाई दो ऑटो का यहाँ पर बात हो चुका है और अभी इसको कैश पेमेंट भी लिया जा रहा है, भाई रिस्क ले रहे है। देखिए भाई के हाथ से पेमेंट अभी इनको देने वाले ऑटो वाले को, ठीक है भाई। कल दो ऑटो सुबह 6 बजे भोर को भाई लेकर आने वाले, 1400 में भाई को डन हुआ है। अब भाई बोल रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अभी चलते हैं हम लोग बस स्टैंड, क्योंकि भाई कल जो है हम लोगों को आगरा से फिर कल दिल्ली भी जाना है। तो भाई अभी जाके हम लोगों को पहले टिकट करा लेते हैं भाई बस का, देखते हैं वहाँ पर क्या प्राइस चलता है। तो भाई अभी एक है ऑटो स्टैंड, तो हम लोग एक साथ मिल गया, अभी चल रहे हैं बस स्टैंड जाकर वहाँ पर पता करते हैं। और यहाँ का मौसम भाई काफ़ी अच्छा वेदर हो चुका है भाई, ना तो शाम तक का तो काफ़ी ज़्यादा गर्म लग रहा था, बट अभी यहाँ पर काफ़ी जो ठंडा मौसम है। तो चलते हैं अभी भाई लोगों के साथ। फाइनली भाई अभी हम लोग पहुँच चुके हैं भाई ट्रेवल्स, यहाँ ट्रेवल्स में आकर पहले बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये रहा ट्रेवल्स, इसके अंदर फाइनली गाइस हम लोगों का टिकट भी जो है कंफर्म हो चुका है, और इन लोगों ने काफ़ी अच्छा फैसिलिटी दिया, बोला आप लोगों को जो सीट चाहिए आप लोग यहाँ पर से ले सकते हो, कोई ऐसा इंटरफेयर नहीं होने वाला है। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है भाई, कोई भी टाइम में आप लोग आके बस पकड़ सकते हैं, क्योंकि हर एक घंटे बाद यहाँ पर बस अवेलेबल रहता है दिल्ली का। तो भाई कल पहले घूमते आगरा, फिर उसके बाद दिल्ली के टूर करेंगे। तो भाई पहले आप चलते हैं होटल, भाई होटल जाके पहले हमको मुझे फ्रेश होना है, फ्रेश होने के बाद अभी डिनर भी का ऑर्डर भी दे चुके हैं, डिनर भी आने वाला है, तो डिनर वगैरह कंप्लीट करेंगे आई होप। तो पहले चलते हैं होटल। तो फाइनली भाई अभी रात के बज चुके हैं 9:30, और भाई हम लोगों का डिनर भी अभी आ चुका है भाई, और मैंने ऑर्डर किया था स्पेशल थाली। तो स्पेशल थाली में मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या मिला है। ये रहा भाई जीरा राइस, अचार, सैलेड, पनीर, दाल, आलू और पापड़ है, और ये एक हंडिया मैंने हम लोगों ने मंगाया था, और छोटे ने यहाँ पर अंडा बिरयानी मंगाया। तो भाई पहले इसे हम लोग फिनिश कर लेते हैं जल्दी से जल्दी, खाना को ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कराना चाहिए। फाइनली गाइस हम लोगों का डिनर भी कंप्लीट हो चुका है भाई, और काफ़ी ज़्यादा थके हुए भाई, क्योंकि भाई 1.5 दिन हम लोगों ने ट्रेवल्स किया है भाई, समझ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेन का ट्रेवल्स करने से काफ़ी ज़्यादा बॉडी थक चुका है भाई, और अभी भी काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही है। तो भाई आई होप सो आप लोगों को मेरे ये आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, बट सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।